दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का आदेश। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तर रहेंगे खुले, साथ ही सभी बार और रेस्टोरेंट भी रहेंगे बंद। केवल पैक कर ले जाने की होगी अनुमति। कोरोना के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। 1,68,000 नए मरीज आए सामने। ओमिक्रॉन के आए 4,461 नए मामले। करीब 70,000 लोग हुए स्वस्थ। टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। अब तक 152,89,00,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। वहीं पात्र लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगना जारी। दिल्ली में यूपी चुनाव के पहले चरण को लेकर भाजपा की अहम बैठक जारी। गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेता बैठक में शामिल। आज से यूपी बीजेपी राज्य में शुरू कर रही है संपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कोविड के कारण वर्चुअल माध्यम से होगा महोत्सव। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें चार विशेष विषयों पर होगी पैनल चर्चा। एक प्रौद्योगिकी केंद्र और ओपन एयर थिएटर युक्त एक प्रेक्षागृह का भी करेंगे पीएम उद्घाटन। और खेल के मैदान में इतिहास रचने के इरादे से टीम इंडिया आज तीसरे टेस्ट मैच के लिए उतरेगी केप टाउन के मैदान पर। भारतीय टीम की निगाहें दक्षिण अफ्रीका में पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज जीतने पर। दोनों ही टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली भाजपा मुख्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में जुड़ रहे हैं। बैठक में यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। बीजेपी महासचिव संगठन बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ। और आज पंजाब से कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा, अमृतसर के पूर्व पार्षद धर्मवीर सरीन और पंथ रत्न जत्थेदार गुरुचरण सिंह तोहरा, मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष कंवर सिंह टोथा भी आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। ये सभी नेता वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरदीप सिंह पुरी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली के सह प्रभारी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामकर कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेर दिया है। दरअसल अगले कुछ महीनों के दौरान होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर ही पिछले साल 3 जून 2021 को आलाकमान ने इमरान मसूद को दिल्ली कांग्रेस का सह प्रभारी बनाया था। उन्हें दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल के साथ जोड़ा गया था। तब कहा गया था कि इनकी नियुक्ति 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुस्लिम तबके के मत हासिल करने में खासी मददगार साबित होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो दिल्ली के ज्यादातर मुस्लिम मतदाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। वहां पर इमरान मसूद का अच्छा वजूद माना जाता है। आलाकमान को उम्मीद थी कि दिल्ली कांग्रेस का सह प्रभारी बनाने से एक ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता अपने नेता की तरक्की से खुश होकर कांग्रेस का हाथ थामेगा, तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी इस वर्ग का समर्थन पाना आसान हो जाएगा। इससे पहले कि आलाकमान की यह सोच साकार रूप ले पाती, इमरान खुद ही हाथ का साथ छोड़ साइकिल की सवारी करने चल पड़े। बता दें, साल 2007 में इमरान मसूद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद वो कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके।
साल 2008-2009 तक मसूद उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे। साल 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव इमरान ने सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के अलावा इमरान लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। 2014 में सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, जबकि 2019 में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान ने इमरान मसूद को हराया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने नए दिशा निर्देशों के तहत फिलहाल सभी निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। इस आदेश के बाद स्पष्ट है कि दिल्ली में अब निजी दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। साथ ही सभी बार और रेस्तरां को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्तरां में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन खाना पैक कर ले जाने की अनुमति जारी रहेगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये एक राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 168,063 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे एक दिन पहले देश भर में कोरोना संक्रमण के 179,723 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में 69,959 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,21,446 रह गई है, जबकि रिकवरी दर 96.36% है। और देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 4,461 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,711 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,247 मामले महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि राजस्थान में अब तक 645 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में ओमिक्रॉन से अब तक 546 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं कर्नाटक में 479, केरल में 350, उत्तर प्रदेश में 275 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। तुम्ही आमच्यावरती हे रिसिप्ट पाडण्यासाठी आरटीओ आज आमच्या हाती लागले आहे। तुम्ही सगळे फोटो घ्या। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है। जो व्यक्ति सर्दी खांसी और बुखार, जिसको सर्दी खांसी बुखार होगा सिर्फ उसने ही मास्क लगाना है। मगर सरकार हमारा ऑक्सीजन कम करने के लिए, हमको लंग्स डिजीज हो जाए इसलिए, और फिर इनको ऑक्सीजन ये लोग बेच सके इसलिए जो है ये हमारे ऊपर रिसिप्ट फाड़ रहे हैं। जो भी ऑफिसर रिसिप्ट फाड़ेगा उसके ऊपर कानूनन जुर्माना होगा, उसका नाम लिखने का, उसको याचिका में डालने का, कोर्ट में याचिका डालने की, ये आरटीआई दिखाने का। जिसको भी ये आरटीआई चाहिए ये आरटीआई का फोटो लो। सरकार लिचर है, वैक्सीन मदद करा है, सरकार लिचर है, सर वैक्सीन मदद करा है, सरकार लिचर है, सरकार लिचर है, सर वैक्सीन मदद करा है, सरकार लिचर है, सर वैक्सीन मदद करा 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 है,
स्वदेशी 900 तुम्हाला व्हाट्सअपवर ऍड करतो सगळ्यांनी जे आहे रिसीट सांभाळून ठेवायचे आपण गव्हर्नमेंट मधून 200 रुपयांनी उघडलेले 200 पोलिसांकडून घेऊया त्यांच्या अकाउंट मधून घेऊया 422 पैसे द्यायचे नाही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्शन गवर्नमेंट मास्कसाठी फाईन काढण्याचा यांना अधिकार नाहीये मास्कसाठी फाईन करण्याचा अधिकार नाहीये हे जाणून बुजून आपल्याकडून पैसे घेता 80 कोटी रुपये फाईन घेऊन घेऊन 80 कोटी सगळ्यांनी रिसीट जमा करून ठेवायची याचिका टाकलेली आहे गव्हर्नमेंट वरती माझा नंबर घेतलेला आहे कॉल करायचा रेल्वेसाठी पण तुम्हाला कोणती एनर्जी असेल तुम्हाला हे गव्हर्नमेंट बोलते महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि ती बोलते की तुम्हाला जर एलर्जी असेल तुम्हाला जर हाय बीपीचा त्रास असेल तुम्हाला हार्टचा प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला जर प्रेग्नेन्सी असेल तर तुम्हाला वॅक्सिन घ्यायची गरज नाहीये
हा असा असा जो नोटीस होता तो आपल्या सेक्रेटरीनी 20 दिवस लपून ठेवला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या सीताराम कुंटेंनी, त्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर टाकला नाही।